वीरेंद्र योगी का सतनमन और आप सबों का अभिनंदन। मेरे प्यारे भारतवासियों, हमारे देश का निर्माण करने वाले युवा पीढ़ी के लोग हैं और विवेकानंद ने कहा था युवा शक्ति वो शक्ति है कि जो देश की दिशा निर्धारित करती है, और इसके लिए आवश्यक है इनमें चरित्र का निर्माण हो। ये बच्चे कभी भी झूठे लफंगे लुचे काम क्रोध मद लोभ के आगोश में नहीं आ जाएं और पदभ्रष्ट नहीं हो जाएं, पतित नहीं हो जाएं। इसके लिए आवश्यकता है कि इनमें चरित्र का निर्माण हो, और चरित्र क्या होता है? सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा आज़ादी और क्षमा। ये बच्चों में ये भावना पैदा करना हमारा उत्तरदायित्व होता है, और ये बच्चों में इतनी ताकत है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका 67% पॉपुलेशन युवा है। इनकी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। ये चाहें तो देश की दिशा बदल सकते हैं, और चाहें तो अगर ये अकर्मण्य बन जाएंगे और लोभ लालच में जातिवाद संप्रदायवाद क्षेत्रवाद में विलीन हो जाएंगे तो देश का सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए हर व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह काम करें, कहीं से भी हमारी रोजी रोटी आती है, लेकिन याद रखो कि देश है तो हम हैं। अगर देश नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? आज जो आप जीवी की हमारे में सर्विस का न्याय हो, क्यों? ये देश स्वतंत्र है, यहाँ आज़ादी है, आप कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाके नौकरी कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि देश को लोगों ने इस तरह से कमजोर कर दिया कि आप लोग 30 के आसपास आ रहे हो, आज तक बेरोजगार थे, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अगर सतर्क रहोगे, जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ अन्याय हो, जहाँ गलत हो रहा है, सब लोग मिल के अगर आवाज उठाओगे तो डर जाएंगे। चोर को डर होता है, लेकिन जो सत्य है उसको कभी डर नहीं होता है। गांधी का उदाहरण लीजिए, सत्यवादी के गोली मार दिया किसी नफरत में, तो गोली लगने से भी मत डरो, लेकिन बोली बोलो तो सच बोलो, देश के लिए बोलो, देश हित में बोलो और सबों के हित में बोलो, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः। लेकिन ये चीज मेरे बच्चों याद रखना कि देश हमारा है, कि देश के लोग मेरे हैं, कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश की कितनी जबरदस्त सेवा कर सकते हैं। हर आंख की आंसू पोंछने की तमन्ना होनी चाहिए, और उसके लिए हमें सक्षम होनी चाहिए, और सबसे बड़ी जो क्षमता आपकी होती है ना, ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो कोई आपको भटका नहीं सकता, लेकिन अगर आप ज्ञानी हो तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं 10 रुपये में आपको खरीद लेंगे और आप बिकाऊ हो जाओगे। इसीलिए कोई आपको खरीदे नहीं, आप बिकाऊ कोई जानवर बकरे नहीं हो कि काट के लोग खाएंगे। आप स्वतंत्र रहो, आजाद रहो, एक दिन मरना सबको है, लेकिन जिएंगे कैसे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर उठा के जियो, भारत माता की सपूत बन के जियो। अगर मर भी गए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की तरह, तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद करेगी। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी समझिए और अपने जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत कार्य करिए कि भारत माता के कोख जुड़ा जाए। आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ भी कोई जाति धर्म मजहब और क्षेत्र की बात करता है वहाँ बोलिए नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, लेकिन इसमें जो भी गलत बोलता है उसको बोलिए खामोश। धर्म की बात, जाति की बात, क्षेत्र की बात मत करो, केवल देश हित की बात करो और सब लोग मिलजुल के रहो। समझ रहे हैं क्या? यही निवेदन करता हूँ। इसलिए फिर से दोहराइए, क्या हमको आगे ले जाएगा? शांति, अहिंसा, प्रेम, सत्य और न्याय, सबका साथ सबका विकास। ये वेद से आया है, ये मोदी जी बार बार बोलते हैं, लेकिन याद रखिए वेदों का है। मोदी आरएसएस का एक बहुत बड़ी संगठन कार्यकर्ता था, इसीलिए पूरा वेद पुराण गीता वहाँ पढ़ाया जाता है। अगर आपको जाके देखना है कि वहाँ क्या होता है, देखिए पूरी देशभक्ति और राष्ट्रीयता सिखाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए अगर आपके देश में कुछ प्रगति हुई और विकासशील हो रहा है तो चित्रवान व्यक्ति ही देश को बना सकते हैं, भ्रष्ट व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं, मैं नाम नहीं गिनना चाहता, लेकिन देखिए उनके बाल बच्चे सारे खुशहाल हैं, लेकिन आप जो हमारे देश की संतान हैं आप दुखी हैं, क्योंकि आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। सब अपने अपने जाति के बारे में सोचता, धर्म के बारे में सोचता, देश के बारे में कोई नहीं सोचता, देशवासियों के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन आप लोग अगर जग जाएंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, आप उनको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और आपके हाथ में वोटिंग पावर है, और उससे भी बड़ी आवाज है, आप आवाज निकाल सकते हो। लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ, कभी भी गाली गलौज मत करना, थोड़ा सा सहिष्णुता पैदा करो, पेशेंस जिसको बोलते हैं, क्षमा करना सीखो और अपनी आवाज को बुलंद करो। समझ रहे हो क्या? तो गाली गलौज मत करो। अभी देखो राजनीति में क्या हो रहा है,
एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी किसी को गाली नहीं दिया, देखिए क्या उसकी बुराइयों को बताता है लेकिन गाली किसी को नहीं देता है। तो आपको अच्छा इंसान बनना है, गाली नहीं देना, सम्मान करना है, मान करना है, प्रेम करना है। और एक कविता सुना देता हूँ, अब रख जरा तलवार प्यार देकर देखो, अब रख जा तलवार प्यार करके देखो, सच मारो विजय तुम्हारी ही होगी, शत्रु को अपना दिल देखे देखो। लेकिन ये कभी फेल हो जाता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, मोदी जी भी नवाज शरीफ की एक पर्सनल शादी थी उसमें गए थे, लोगों ने गद्दारों ने बोला कि बिरयानी खाए गए थे, ये साले बिरयानी खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, इनको केवल खाने की याद रहती है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो सबको खिलाते हैं, भूखे भी मर जाते हैं लेकिन खाने की बात नहीं करते हैं। बार बार हमारे देश के नेताओं ने चाहा कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें, क्योंकि शांति है तो विकास होगा। क्या साहब, लड़ाई होगी तो तुम्हारी सारी संपदा चली जाएगी लड़ाई में। एक बम जो हम गिराए थे जानते हो कितना दाम था? 2000 करोड़ था बम जो मारे थे उसको, जाके वहाँ बालाघाट में जाके जो हम गिराए थे, जाके जो मारा था वो आतंकवादियों को, कितना खतरनाक खेल है ये। एक प्लेन तुम्हारा क्रैश होगा जानते हो 1000 करोड़ का पैसा होता है, ये लड़ाई में किसका हित होता है भाई? हमारी तरह भी वो लोग हैं, वो भी माँ बहन है, उसकी भी बेटियां हैं, उसके भी लोग हैं, लेकिन वो लोग प्यार की भाषा नहीं जानते। लेकिन हम उनको शांति की भाषा बार बार दोहराएंगे, लेकिन जब वो नहीं मानेंगे तो राम ने रावण को क्या किया, कंस को कृष्ण ने क्या किया, ये करना पड़ेगा। नहीं तो देखते हो गार्डनिंग करते हो ना, बगीचे में अगर जंगल झाड़ आ जाएंगे तो फूल उगेगा क्या? तो जंगलों को सफाई करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। हम जंगल को इसीलिए उखाड़ते हैं कि हमारे फूल अच्छे हो, हमारे देश अच्छे हो, हमारे देश के लोग अच्छे हो। लेकिन जो गद्दार इसमें भटक चुके हैं, जो दूसरों के लिए दुश्मन बन चुके हैं, उनको समाप्त करने से ही बाकी लोगों का खुशहाल होगा, है ना? तो लास्ट में बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य पर चलो, जय हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।